અને ગુજરાતની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ। मध्य प्रदेश भोपाल पास आवेल नर्मदापुरम खाते मुनि वशिष्ठ नामना वयोवृद्ध खेती तेमज पोतानी दुकान व्यवसाय साथे संकळायेला छे। वयोवृद्ध होवा छता मुनि वशिष्ठ 600 किलोमीटर नी नर्मदा परिक्रमा करवा निकळ्या छे। भोपाल थी नर्मदा परिक्रमा नो कुल अंदाजित 600 किलोमीटर दंडवत प्रणाम करी भोपाल थी निकळ्या हता। जे परिक्रमा वासी आजे अंकलेश्वर खाते आवी पहोंच्या हता। माँ नर्मदा की परिक्रमा पर निकलेला वशिष्ठ मुनिए भरूच जिल्लाना लोकोने संदेशों आपता जणाव्युं हतुं के माँ नर्मदा नदी अति पवित्र नदी छे, जेनो पौराणिक ग्रंथों में पण उल्लेख करवामां आव्यो छे। तेमणे जणाव्युं हतुं के नर्मदा नदी में थतुं प्रदूषण नर्मदा ने नुकसान पहुंचाड़े छे, जेना कारणे माँ नर्मदा नदी ने बचावा माटे लोकोने अपील करी हती, जेथी नदी प्रदूषित थता अटकी शके। परिक्रमा करता मुनि वशिष्ठे कल्याण दौलतपुर खाते चतुर्मास पण कर्या हता। आ परिक्रमा दंडवत प्रणाम ने 4 वर्ष जेटलो समयगाळो लागशे तेम जणाव्युं हतुं। ओंकारेश्वर थी पदयात्रा 3798 किलोमीटर दंडवत प्रणाम करी 4 वर्ष जेटलो समय पूर्ण करशे। मैंने ओंकारेश्वर से स्टार्ट की, ये मेरे को 1 ईयर हो गया। नर्मदा जी की पूरी परिक्रमा है, मतलब 3600 किलोमीटर। वो कहाँ, कितने साल से आप कर रहे हो ये? 1 साल, 1 ईयर हो गया। कहाँ के रहने वाले आप? मैं नर्मदापुरम नियर भोपाल। ये माँ नर्मदा की प्रेरणा, ब्रह्मांड में इससे बड़ी फिर कोई परिक्रमा नहीं है। और इसकी खासियत क्या है? ये खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि नर्मदा जी जो है, मतलब MP हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, इनको एक तो सिंचित करती है और इनके तट पे जो है एक आनंद की जो अनुभूति होती है वो एक अलग ही है। लोगों को क्या संदेश देना चाहती है तो सके लोगों को? बहुत यही संदेश है कि मतलब 3 स्टेटों को जोड़ने वाली, सिंचित करने वाली, जल रहे इसको जितना साफ स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त रहे रखें वो सबसे बेटर है।